दोस्तों, जियो के कस्टमर केयर से आप डायरेक्ट बात कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है जिससे कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में 198 करके ये नंबर डायल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना, जो भी यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा ऐसे ही आपको सेम करने हैं। वर्तमान डेटा बैलेंस 1.99 GB है, जो आपके दैनिक डेटा कोटा 2 GB में से बचा हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पे स्पीकर बंद कर दिया है। अब ये आपसे आपकी जो है कस्टमर केयर से बात नहीं कराएगी, आपको ये बार बार बोलेगी कि मैं आपके सारे सवालों के उत्तर दे सकती हूँ, आप मुझसे बोल के कुछ भी सवाल पूछिए। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान से देखनी है, वो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐसे ही आपको एक बार कुछ भी इससे पूछ लेना है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करने के लिए नहीं बोलना, अदरवाइज ये नहीं कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से करूंगा, आपको भी ठीक ऐसे ही करना है, आपकी बात बहुत आसानी से हो जाएगी। चलिए मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। मैं समझती हूँ कि आप हमारे सलाहकार से बात करना चाहती हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हूँ। आप अपना जियो से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझे बोलकर पूछ सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करूँगी। मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से बोल देना है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने में असुविधा। और जैसे आप अब आपने ये बोल दिया, आप कुछ और भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ये आपको आंसर देगी। और उसके बाद आपको बोलना है कि कस्टमर केयर से बात कराएं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। मैंने जांच में पाया कि आपको अपने स्थान पर इंटरनेट की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपके फोन पर कम सिग्नल दिख रहे हैं, तो कृपया अपने स्थान से थोड़ा हटकर बेहतर सिग्नल वाली जगह पर इंटरनेट का उपयोग करने की कोशिश करें। कस्टमर केयर से बात कराएं, कस्टमर केयर से बात कराएं। कृपया लाइन पर बने रहें, हम आपकी कॉल हमारे सलाहकार को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने जैसे कहा कोई भी विकल्प मैंने बोल दिया, उसके बाद आपको बोलना है कि कस्टमर से बात कराएं, तो तुरंत कराएगी। अब देखिए, नमस्कार, शिव आपका स्वागत है, बताइए हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। जी जी नमस्कार मैम, मुझे थोड़ा इंटरनेट चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? इंटरनेट में आपको? मैम थोड़ा मेरा जो है इंटरनेट स्लो चल रहा है, मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ स्लो स्पीड में। ओके, इसी सेम लोकेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बात कर दिया, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि आपको किस तरीके से करना है। जब भी आपको कुछ बोलने के लिए कहे स्टार्टिंग में, तो आपको स्टार्टिंग में कस्टमर केयर से बात करने के लिए नहीं बोलना। देखिए अब उधर से उनका कॉल भी आ गया, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना कि कस्टमर केयर से बात करें, आपको कुछ भी प्रॉब्लम पहले बता देनी है। जब ये उस प्रॉब्लम के बारे में आपको कुछ बताएगी ना, उसके बाद आपको बोलना है कि अब कस्टमर केयर से बात करें, तो भाई तुरंत करा देगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे लोगों को पता चल सके कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव नहीं है।